गांधी परिवार, खास तौर से प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी नवजोत सिंह सिद्धू पर से अब कांग्रेस का भरोसा उठ चुका है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम में उन्हें शामिल नहीं किया, बल्कि जिस चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ सिद्धू लगातार लगे रहे और विधानसभा चुनाव में खुद तो हारे ही, कांग्रेस की भी ऐसी तैसी करवा दी, उस चरणजीत सिंह चन्नी को खड़गे ने नई CWC में शामिल किया है। अरविंद केजरीवाल से गठबंधन का खुलकर विरोध कर रहे प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावडिंग और प्रताप सिंह बाजवा को भी खड़गे ने अपनी टीम से दूर ही रखा है। सोनिया गांधी के बेहद करीबी अंबिका सोनी का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू खड़गे की टीम से आउट हो गए हैं। हालांकि पंजाब के पूर्व गृह मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम इसमें शामिल है। लिस्ट में श्री अनंतपुर साहिब से मौजूदा सांसद मनीष तिवारी के साथ चंडीगढ़ से कई बार MP रह चुके पवन बंसल भी इसमें हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित समुदाय के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में दलित कार्ड चलाया था। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को नया CM बनाने का ऐलान किया और चन्नी पंजाब के पहले सिख दलित मुख्यमंत्री बने। चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सरकार में तकनीकी मंत्री भी रह चुके हैं। रामदासिया सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चन्नी साल 2017 में 47 साल की उम्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। बड़ा केंद्र बने चरणजीत सिंह चन्नी अब पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के निशाने पर पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी आ गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य सतर्कता विभाग ने उन्हें कई बार तलब किया। वहीं रेत खनन मामले में चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी के बाद ED ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उन पर एक खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए जांच की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।